हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ रेसिपी। और भी कौन सी रेसिपी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, मैं दिखा रही हूँ करेला। मैं करेले का कलौजी बनाने जा रही हूँ कुछ अलग तरीके से। इसको बीच में से जो फाड़ कर भर के बनाते हैं, मैं उस तरह नहीं बनाऊँगी। मैं एकदम झटपट और जल्दी बनने वाला रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि इसको जब ऐसे ही खड़ा बनाते तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज अगर कभी कभी जल्दी रहता है और हमें सेम कलौजी का ही टेस्ट हमें चाहिए, तो उस प्रकार कैसे बनाएं। तो मसाला सब कुछ वही, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, मैंने दो आलू ले लिया। अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिए जितना आपके आलू, जैसे बच्चे हैं तो आलू ही ज़्यादा खाते हैं, करेला कम खाते हैं, इसलिए मैंने दो आलू ले लिया है। करेला ये इतना है मेरे पास। तब चलते हैं, मैं आप लोगों के मसाला भी दिखा देती हूँ क्या क्या ली हूँ अभी, और लेना भी है इसमें। ये है पंचफोरन, जो कि देखिए राई, जीरा, मेथी और सौंफ सब मिक्स रहता है। और ये धनिया, इसे हम भून लेंगे धीमी धीमी आंच में, भून कर इसे सूखा पीस लेंगे। अब मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, थोड़ा ज़्यादा लिया है तो अच्छा रहता है। और एक मैंने प्याज भी लिया है, तो ये इसको भून कर पीस लेंगे, फिर ये भी साथ में पीसेंगे, है ना। और इसे किस प्रकार कट करना है ताकि जल्दी बन जाए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। चलिए पहले मैं मसाला को भून लेती हूँ। मेरा दाल चावल हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे मैंने ये वाला रख दिया है, इसी में मैं मसाला भूनूंगी, मसाला भून के पीसूंगी, फिर ये सब इतना पीसना है। उसके बाद अमचूर पाउडर या खटाई का मसाला है तो वो डाल दीजिए, और हल्दी नमक रहेगा। तो चलिए इसे मैं पहले भून के इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें डाल दिया, जो चटकना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप सब। इसे थोड़ा मीडियम आँच में ही पकाएंगे। देखिए मैंने एकदम स्लो आँच में रखा है, धीमी धीमी आंच में भूनेंगे ताकि ये जले ना मसाला। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मसाला भूनते समय का बहुत अच्छा आता है खुशबू। ये हल्का सा भून लिया मैंने, उसमें डाल देंगे धनिया भी साथ में, दोनों को साथ में भून लेंगे। धीमी धीमी आंच में भूनेंगे तो मसाला अच्छे से भुनाता है और जलता भी नहीं है फ्रेंड्स, तो उसका स्वाद अच्छा आता है। और एकदम हाई फ्लेम पे भूनेंगे मसाला को तो बहुत जल जाता है, फिर जल जाता है उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो इसे हम धीमी धीमी आंच में, से आप लोग भी भून लीजिएगा, भून के पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने भून लिया और तो इसे ठंडा कर लिया है। उसके बाद अब इसे चलते हैं मिक्सर जार में पीसेंगे। और इसे भी मैंने कट कर लिया ऑनियन को। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मसाला को पीस लिया है, तो यहाँ पे मैंने जो पंचफोरन था और धनिया सूखा वो पीस लिया है, यहाँ पर हल्दी ले लिया, यहाँ पे मैंने लहसुन और ऑनियन था प्याज उसे ले लिया, नमक ले लिया, नमक मैंने थोड़ा सा लिया, मसाला भर कर लिया है। उसके बाद ऊपर से नमक थोड़ा डालेंगे ताकि जो आलू और करेला है उसमें भी नमक पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए अभी से तो मैंने सब मसाला मैंने रेडी कर लिया। इसे अभी अमचूर पाउडर लेना है, अमचूर नहीं ली हूँ, हाँ भूल गए, अमचूर ले लेती हूँ। तब इसे पूरा मिक्स करके मसाला रखूँगी। अब चलते हैं, इसे पहले कट कर लेते हैं। आप लोगों को इंतज़ार होगा कि किस तरह के इसे बना रही हूँ, मैं भर के नहीं बना रही हूँ तो कैसे बना रही हूँ। तो चलिए वो देखिए मैं किस तरह के इसे कट करती हूँ, बहुत सिंपल और ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी कट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से कट करना है। देखिए मैंने एक ले लिया है, पूरा इस तरीके से बीचों बीच हम कर लेंगे। इसका बीज भी निकालना है फ्रेंड्स आपको, तो निकालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं निकालूंगी, क्योंकि बीज कड़क है तो नहीं खाया जाएगा और नरम है तो ठीक है। अब कड़क बीज तो मुझे अच्छा लगता है, बट मेरे घर में मेरे महाराज जी को नहीं पसंद है, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा वाला बीज डाल के बनाना। तो चलिए इसी तरीके से कट कर लेते हैं। इसका बीज ठीक है, ज़्यादा कड़क नहीं है, एक दो डाल भी दूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है और महाराज को नहीं। आप लोग बीज अगर नहीं डालना है तो स्किप कीजिएगा, निकाल दीजिएगा। इसी तरह बीज हम निकाल लेंगे। चलिए देखिए ऐसे ऐसे इसे पतला पतला इतना लंबा लंबा पीस में हम कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे,
है ना एकदम सिंपल और इजी तरीका, और ये बहुत अच्छे से आसानी से जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, बहुत झंझट भी नहीं लगेगा। अरे देखिए खाने में भी ऐसे एक एक पीस उठाइए और खाइए, इसे कट कर ले, आलू भी कट कर लेते हैं। आलू आपको जिस तरीके से कट करना है आप उस तरीके से कट कीजिए, मैं अभी सोच रही हूँ लंबा लंबा ही आलू कट करने के लिए। देखिए ऐसे 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 भी दो पीस कर देते तो ऐसे ऐसे, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मीडियम नहीं, ऐसे इसी तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से कट करके बनाइए, भरने की ज़रूरत नहीं है। अब मसाला इसी में मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से कट कर लिया, अब चलते देखिए। मैंने यहाँ पे अमचूर भी रख लिया है, मेरा घर का शुद्ध एकदम अमचूर है ये। ये बहुत पुराना अमचूर है, कम से कम बहुत साल हो गए होंगे, गाँव से आया था मेरे मायके से। तो इसे चलिए मिक्स करते हैं। इसे मिक्स कर दिया फ्रेंड्स, मैं हींग भूल गई थी, हींग भी डाल देती हूँ। और हींग आप कोई भी कुछ भी बनाइए ज़रूर हींग डालिए, अच्छा रहता है। तो इसे मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे कट किया है तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया, इसमें तेल भी डाल दिया है, तो इसमें चल रहे हैं अभी, तेल गर्म हो जाएगा तो ये जो है इसे डाल के हम भुनेंगे, ऊपर से फिर ये मसाला डाल के ढक देंगे, धीमी धीमी आंच में इसे पका लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया फ्रेंड्स, इसे मैं डाल दूँगी, दोनों साथ में डालूँगी आलू और ये, और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे भूनेंगे मीडियम आंच में। पहले मीडियम आंच रखेंगे फ्रेंड्स मसाला डाल के, फिर इसे हम स्लो कर देंगे। इतना अच्छा लगता है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है ऐसा बड़ा बड़ा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। सेम वही है, सिर्फ भरा हुआ नहीं है, ऐसे कट करके मिक्स करके बनाया हुआ है। इसे थोड़ा सा भून के उसके बाद ये मसाला डाल के हम ढक देंगे। अभी एक बार ढक देती हूँ थोड़ा टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या हाल है। तो अच्छे से मैंने इसे हल्का हल्का, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। तब इसे डाल दूँगी मैं ये जो मसाला है इसे डाल के इस तरह की इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह जब ढक देते हैं तो धीमी आंच में होने देते हैं। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं, दो चार मिनट हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा नमक, मैं पहले बोली थी ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे इधर देखिए, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा लिया तो ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी झटपट बनने वाला है ये रेसिपी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसे हम ढक देते हैं, इसी तरह पकाएंगे। सो फ्रेंड्स देखते हैं अभी क्या हाल है, हो चुका है या नहीं। बीच में एक बार देखी थी तो थोड़ा सा बाकी था, अभी मुझे लगता है तुम देखते हैं। देखिए आलू भी हो चुका है, और मेरा करेला आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए करेला भी टूट गया है, हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हो गया, मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, दाल चावल मेरा बन चुका है, यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी के साथ दाल चावल के साथ परोसूँगी। और आप लोग भी आइए खाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली में बनाइए और खाइए। आप पूड़ी पराठा रोटी के साथ खाइए, आप इसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। मैं कई बार सफ़र में लेके गई हूँ, जैसे गांव जाते समय इस तरीके से बना के लेके गई हूँ। तो चलिए आज का रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अच्छे से एक नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए।